13 जुलाई 1954 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस आधारशिला रखी और 9 वर्ष बाद 6 जनवरी 1963 को इसकी उद्घाटन किया। इसका नाम उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख किलोमीटर विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। अंदर नहीं आते ना, पहुंच रहे ना दीदी। तो किला हमें बताएं ये रिहन डैम जो भारत की सबसे ऊंची बांध है। हां सर, हम तो वहां से ले रहे हैं। भारत के अंदर जो जेनिथ पिट में पड़ता है ये बांध। चला अभी बांध का निर्माण 1954 के आसपास हुआ था और जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका स्टार्टअप किया गया था। और उस टाइम हमारे भारत के जो फर्स्ट, हमारे उत्तर प्रदेश के जो फर्स्ट मुख्यमंत्री थे गोविंद, उन्हीं के नाम से, ये गोविंद बल्लभ के नाम से भी इनको जाना जाता है, इस नदी को। ये बांध इसमें 13 फाटक है गाइस, पुल ऐसी बांध के खुलने पे हर समय बिहार डूब जाता है। तो ड्राइव करते करते हम लोगों का बाल वो सब खराब हो गया है। तो नहीं है पूरा तो ही रहा है ये तो यही है वो बांध, ये कृत्रिम बांध है गाइस, और ये भारत की सबसे बड़ी बांध है, भारत की सबसे ऊंची बांध है और भारत की सबसे बड़ी ये कृत्रिम बांध है जिसको ये बनाया गया है। 30 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा नदी फैला हुआ है और इसी नदी से सोन नदी बहता है जिसको उप नदी बोल सकते हैं हम। और सोन नदी का अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो आप लोग जानते होंगे, सोन नदी एक ऐसा नदी है जहाँ पे खाली बालू ही बालू निकलता है और इसी बांध से ही सोन नदी का उत्पत्ति होता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना गहरा है और इसमें आप देख सकते हैं टोटल कितने गेट हैं। टोटल 13 फाटक है और ये हाइड्रोलिक है और जब भी ये खुलता है तो हर समय बिहार डूब जाता है। अब देख सकते हैं पूरा चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी है, पूरा पहाड़ियों के बीच में अपना ये रिहन बांध है। तो है का लेट गया था, मेरा भी ले ले भाई। दिल्ली से बाइक राइडिंग करते हुए 1000 किलोमीटर आए इस बांध को देखने के लिए सिर्फ हम लोग। ये वाला इसका जब उद्घाटन हो रहा था तो इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू किए हैं और 1954 का बांध है ये। अपने उत्तर प्रदेश को जो फर्स्ट मुख्यमंत्री थे उनके नाम पे ये बांध का नाम रखा गया है। हमारे उत्तर प्रदेश के फर्स्ट मुख्यमंत्री बल्लभ भाई थे तो उन्हीं के नाम पे ये बल्लभ पंत भी बोलते हैं इसको। इस डैम को रिहन डैम भी बोलते हैं और बल्लभ पंत डैम भी बोलते हैं। और काफ़ी इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ, बड़ी बड़ी मगरमच्छ सब कुछ रहता है।